हेलो फ्रेंड्स, टेकीसा जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पे मिलती हैं आपको लगातार लेटेस्ट जानकारियाँ। आए दिन एटीएम के साथ छेड़खानी, क्लोनिंग और धोखे से पैसे निकलवाना आम बात होती जा रही है, और लोगों की गाड़ी कमाई ऐसे लोगों के पास पहुँच जाती है जो कि धोखाधड़ी से निपुण है। तो साथियों, SBI जो कि हमारा लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, उसने एक स्कीम लागू की थी कि एटीएम कार्ड से जो पैसे निकालने होंगे 10,000 से ज़्यादा, तो वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक अगर निकासी की जाएगी तो उनको OTP दर्ज कराना पड़ेगा। मतलब OTP उनके बैंक के जरिए मोबाइल फ़ोन पे आएगा और उसको मशीन में डाला जाएगा। तो साथियों, ये सुरक्षित प्रणाली थी। अब SBI ने अपने जो करोड़ों जो खाता धारक है उन सभी की भलाई के लिए ये जो सुविधा है वो 24 घंटे के लिए लागू कर दी है। यानी कि आप अगर दिन में भी अपने अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं, अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकलवाते हैं, तो अब आपके जो फ़ोन में OTP आएगा उसको आप दर्ज करेंगे तभी आप पैसे निकाल पाएंगे। साथियों, आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और जो आए दिन खबरें आती थी पैसे निकलवाने की, धोखाधड़ी की, उन पे लगाम लगेगी। तो आपको अपना, अगर आपने रजिस्टर मोबाइल नहीं किया है, आपने SMS की सर्विस नहीं की है, तो आपको ये अब दर्ज करानी पड़ेगी। साथियों, आपको डेबिट पिन जो आपका होता है उसके साथ साथ आपको जो मोबाइल पे आपका जो पिन आएगा, जो आपको OTP आएगा, उसको भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपको पैसे नहीं निकलेंगे। ये आप ध्यान से सुन लीजिए कि 10,000 से कम की निकासी पर OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000 से ज़्यादा के जो अमाउंट हैं तो उसी के दौरान पर ही ये सुविधा आपको देनी पड़ेगी। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये सुविधा अच्छी है या बुरी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या जो दूसरे बैंक्स हैं, क्या उनको भी इस तरह की सुविधा लागू कर देनी चाहिए, आप उस पर भी अपनी कमेंट करें। साथियों, इससे जो अनधिकृत निकासी थी, कार्ड की स्कीमिंग थी, कार्ड क्लोनिंग थी, उन सभी से बचने में मदद मिलेगी और लोगों का जो कीमती पैसा जो था उससे वो बचाव हो पाएगा, वो सेफ हो पाएगा। तो आप अपने हिसाब के लिए दो तीन बातें हैं। आपको सबसे पहले अपना जो मोबाइल है वो रजिस्टर करा ले, अपने बैंक में उसको अटैच करा ले, अपने मोबाइल फ़ोन को जो है आपको SBI के अकाउंट से उसको अटैच करा ले, उसमें SMS सर्विसेज एक्टिवेट करा ले, और अगर आप 10,000 से ज़्यादा के रुपए निकालते हैं तभी OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इस खबर से रूबरू हो जाएं और वो भी इस लेटेस्ट जानकारी को जान पाए। थैंक यू टैगी सर जी।